My dear students, as you already know that we are discussing the morphology of leaf. We are discussing the morphology of leaf, and today I think this is the seventh lecture, and I think this will be the last lecture regarding the morphology of leaf. Before discussing the venation and modifications, बेटा दो ही बातें हमारी इस लेक्चर में रह गई, एक तो venation और दूसरा modification. Before discussing that, let me discuss some few important points regarding the leaf. Now first one is on the basis of duration. अगर एक plant पे लीव्स का ड्यूरेशन देखेंगे, एक प्लांट पे लीव्स कितने टाइम तक रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन लीव्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन लीव्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इट इज कॉल्ड एज कॉडुशियस. द सेकेंड टाइप इट इज कॉल्ड एज डिसिड्यूस. द थर्ड टाइप यू वी कॉल्ड देम एज persistent, and the fourth type we called it as marcescent. The fourth type it is called as marcescent, or the basis of duration leaves are of following types. First one it is called caducous. Caducous kya hai beta? Pehli baar caducous ka dusra naam hai beta fugaceous. Now what is caducous? It is that type of leaves, wo wale leaves beta jahan leaves immediately fall hote hain, immediately leaves gir jate hain after their formation. This type of leaf it is called caducous. So I can simply write here ki leaves jo hai beta they immediately fall, leaves immediately fall after their formation. जब एक प्लांट पे बेटा लीव्स बन जाते हैं तो इमिजिएटली फॉल हो जाते हैं, इमिजिएटली गिर जाते हैं आफ्टर देयर फॉर्मेशन. एंड वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉडुशियस लीव इज द ओपनशिया. द कॉमन नेम ऑफ विच इज कैक्टस. सो सिंपल सी बात है, कॉडुशियस ऐसे टाइप ऑफ लीव जहां लीव्स इमिजिएटली गिर जाते हैं आफ्टर देयर फॉर्मेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कॉडुशियस लीव. Deciduous, we know that. Deciduous कौन से leaves होते हैं? Deciduous वो वाले leaves हैं या deciduous plants की हम बात करते हैं जहां leaves जो हैं बेटा leaves गिर जाते हैं. Plants shed their leaves in a particular season. कुछ ऐसे plants जो बेटा अपने leaves को shed करते हैं in a particular season, और वो वाला season usually autumn होता है. And one of the example is Salix. Populus, these are the examples of plants which show deciduous leaves. So deciduous leaves कौन से leaves हैं? वो वाले leaves जो किसी time के लिए एक plant shed करता है, and in a particular season, and usually वो season कौन सा होता है? वो season usually होता है autumn. उसके बाद persistent. Now you know that persistent का अगर दूसरा नाम मैं लिखूंगा बेटा, that is called evergreen. Now evergreen क्या है बेटा? Evergreen usually वो वाले बेटा लीव्स हैं, those leaves which do not fall and they remain persistent throughout the year for in a plant. That means persistent leaves वो वाले leaves हैं जो एक प्लांट पे रहते हैं बहुत टाइम के लिए. That means they do not fall. These type of leaves are called as persistent. And one of the common example in persistent is pine. Pinus का tree आपने देखा होगा, तो उसमें leaves throughout the year होते हैं. Palm tree अगर आप देखोगे बेटा तो वो वाला प्लांट भी है जिसके ऊपर लीव्स थ्रू आउट द ईयर होते हैं. नाउ द लास्ट वन इट इज कॉल्ड एज मार्सिसेंट. नाउ मार्सिसेंट क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स. ये वो वाले प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स तो रहते हैं लेकिन लीव्स रिमेन परसिस्टेंट ज्यूरिंग विंटर ओनली. अब बेटा इस बात को ध्यान से सुनना कि मार्सिसेंट वो वाले प्लांट्स हैं या वो वाले लीव्स हैं जो विंटर के लिए खाली रह जाते हैं. एंड वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल इज ए फैमिली. दैट फैमिली इट इज कॉल्ड एज फैगेसी. फैगेसी एक ऐसी फैमिली है कि जिसकी प्लांट्स के ऊपर लीव्स तो रहते हैं लेकिन लीव्स कब रहते हैं? विंटर के लिए. सो दीज आर द फोर कैटेगरीज रिगार्डिंग
द ड्यूरेशन ऑफ प्लांट्स, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ लीव्स। सो ड्यूरेशन ऑफ लीव्स की जब हम बेटा बात करते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरी इट इज कॉल्ड कॉडूशियस। कॉडूशियस का दूसरा नाम है बेटा फिगेशियस। लीव्स जो है बेटा इमिजिएटली जब लीव्स बनते हैं तो इमिजिएटली फॉल होते हैं आफ्टर देयर फॉर्मेशन। डेसिडियस प्लांट्स शेड देयर लीव्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। सेलिक्स पॉपुलस परसिस्टेंट, लीव्स रिमेन परसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर फॉर एवरग्रीन प्लांट्स जिनको आप बोलते हैं। पाइन पाम ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मार्सिस्टेंट। मार्सिस्टेंट में क्या है बेटा, लीव जो है खाली विंटर के लिए रह जाते हैं। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज फैमिली फैगीसी। दिस इज रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ लीव्स। नाउ बात करते हैं बेटा लीव्स का ऑरिजिन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन लीव्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। जब एक प्लांट पे लीव्स का ऑरिजिन कहाँ से है तो बेटा तीन कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इट इज कॉल्ड एज रेडिकल। द सेकेंड कैटेगरी इट इज कॉल्ड एज कोलाइन। द थर्ड कैटेगरी इट इज कॉल्ड एज रेमल। मैं चाहता हूं बेटा आप पहले इन टर्मिनोलॉजी को आप याद करो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एक लीव्स का ऑरिजिन कहां से है तो कितनी कैटेगरीज है बेटा, तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज रेडिकल, सेकेंड वन इट इज कॉल्ड एज कोलाइन, थर्ड वन इट इज कॉल्ड एज रेमल। रेडिकल क्या होता है बेटा, रेडिकल इज वेरी सिंपल। When leaves are born on a reduced stem, when leaves are born on a reduced stem, और वो usually वो reduced stem root के साथ attach होता है। In some cases, it is written that कि radical leaves वो वाले leaves है बेटा जो reduced stem या even root से जिसका origin है, that type of leaves are called as radical leaves. There is another term of radical. उसकी spelling दूसरी है बेटा, radical. This one is the radical. Radical means origin of leaf. जब leaves का origin reduced stem से है, rhizome से है, या even some cases we say जिनका origin root से है, there is a rosette of leaves. Rosette means a crowding of leaves on the reduced stem. This type of leaves are called as radical leaves. The second one, it is called as colline. Now, colline क्या है बेटा? जब leaves, when the leaves are directly born on stem, जब leaves कहाँ से origin हो जाए? When the leaves are directly born on main stem, जब leaves directly main stem के ऊपर है, उन types of leaves को कहा जाएगा colline. तो रैमल किसको कहा जाएगा? रैमल इज सिंपल व्हेन द लीव्स आर प्रेजेंट ऑन, या इट्स राइट, व्हेन द लीव्स आर बोर्न ऑन ब्रांच, दिस टाइप और दीज टाइप्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज रैमल। सो आई विल रिपीट इट वन, एक बार बेटा रिपीट करेंगे। ऑरिजिन के हिसाब से लीव्स के तीन टाइप्स है। पहला जो टाइप है बेटा, दिस टाइप इज कॉल्ड एज रेडिकल। रेडिकल वो वाले लीव्स है जिसमें रोजेट ऑफ लीव्स होगा ऑन ए रिड्यूस्ड स्टम। कॉलाइन व्हेन द लीव्स आर डायरेक्टली बोर्न ऑन द स्टम। रैमल व्हेन द लीव्स आर बोर्न ऑन द ब्रांच। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। नाउ वी विल गो टू द मेन टॉपिक। बेटा जो हमारा टॉपिक है बेटा आज का इंपॉर्टेंट, द टॉपिक इट इज कॉल्ड एज वेनेशन। द मेन टॉपिक, आवर टुडेज मेन टॉपिक इट इज कॉल्ड एज वेनेशन। जिगर जब बात करते हैं वेनेशन की, वेनेशन होता क्या है? वेनेशन को समझाने के लिए पहले एक सिंपल से लीव की डायग्राम बनाएंगे, या इवन इन योर डे टू डे लाइफ बेटा, आप कल को जाओगे बाहर तो आप किसी भी लीव को हाथ में उठाना। अब ये जो मेन पार्ट ऑफ लीव होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में कितना समझाया कि इस मेन पार्ट को कहा जाता है लैमिना। लेकिन जब आप इस लैमिना को गौर से देखोगे बेटा, तो इस लैमिना के बीच में एक मोटी वेन, आई शुड से ए प्रिंसिपल वेन, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वेन। एक बीच में एक मोटी सी वेन होगी, दिस प्रिंसिपल वेन इट इज कॉल्ड एज मिडरिब। एक प्रिंसिपल वेन होगी बेटा, दिस वेन इज कॉल्ड एज मिडरिब। गौर से बेटा अगर इस लैमिना को देखोगे आप, इस प्रिंसिपल वेन से देखोगे ब्रांच निकल रहे हैं। नाउ दीज ब्रांच विच एक्चुअली अराइज फ्रॉम द मेन वेन, दीज ब्रांच आर कॉल्ड एज वेन्स। और अगर फिर से आप गौर से देखोगे तो बेटा इन वेन से भी कुछ ब्रांच निकल रहे हैं,
Now, the branch which arises from the veins, they are called as veinlets. The branch which arise or the branch which arise from the veins, they are called as veinlets. अब वेनेशन क्या होता है? वेनेशन को डिस्कस करने से पहले मैंने कहा लैमिना में बीच में से यूजुअली एक मोटी सी वेन चलती है. दिस मेन वेन और प्रिंसिपल वेन इज यूजुअली कॉल्ड एज मिडरिप. मिडरिप जो है बेटा, मिडरिप से जो ब्रांच निकलते हैं, दीज ब्रांच आर कॉल्ड एज वेन्स. और वेन्स से क्या निकलते हैं? वेनलेट्स. हर किसी प्लांट में अगर आप देखोगे बेटा, किसी भी प्लांट की अगर बात करेंगे, देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर अरेंजमेंट. देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ दीज वेन्स एंड वेनलेट्स. अगर आप किसी भी एक लीफ ब्लेड या लैमिना या लीफ की बात करोगे बेटा, देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स अलोंग विद द मिडरिप. अलोंग विद द मिडरिप क्या होगा बेटा? एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स होगा ओवर द लैमिना. दिस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इट इज कॉल्ड एज वेनेशन. सो सिंपल सी बात है बेटा, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है. देयर इज एन 0% डिफिकल्टी इन दिस कि अगर आपको कोई पूछेगा वेनेशन क्या होता है, आपका जवाब सिंपल होना चाहिए बेटा. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन ए लीफ ब्लेड और लैमिना इन ए पर्टिकुलर प्लांट इट इज कॉल्ड एज वेनेशन. देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड वर्निशन. वर्निशन वी नीड नॉट टू गो इन टू द डिटेल्स, वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है. सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस टर्म, दैट इज वेनेशन. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द ली ब्लेड इट इज कॉल्ड एज वेनेशन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहली बात बेटा वेनेशन के बारे में करेंगे. वेनेशन के बारे में जब हम पहली बात करते हैं, उसे ब्रॉडली क्लासिफाइड वेनेशन दो टाइप्स का होता है. वन टाइप ऑफ वेनेशन इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट एंड अनदर टाइप ऑफ वेनेशन इट इज कॉल्ड एज पर्लन. बेटा जब बात करते हैं वेनेशन की, वी से ब्रॉडली क्लासिफाइड वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. वन टाइप ऑफ वेनेशन इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट, अनदर टाइप ऑफ वेनेशन इट इज कॉल्ड एज पर्लन. नाउ योर क्वेश्चन विल बी, सर रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, पैरेलल वेनेशन क्या है? बेटा मैं सिंपल सीन को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा. यहां एक लैमिना बनाऊंगा बेटा, यहां दूसरा लैमिना बनाऊंगा. इस लैमिना में अरेंजमेंट में ऐसे बनाऊंगा बेटा, इस अरेंजमेंट ऐसा है कि वेन्स जो है बेटा, आप खुद देखोगे वेन्स आपस में टच कर रहे हैं. वेन्स एंड वेनलेट्स जो है बेटा आपस में टच कर रहे हैं. रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? जब एक लीफ ब्लेड या लैमिना में वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट ऐसा है कि वो आपस में टच कर रहे हैं. जब वो आपस में टच कर रहे हैं तो एक वेब लाइक अरेंजमेंट बन जाता है. जब एक लीफ ब्लेड या लैमिना में ऐसा अरेंजमेंट है कि बीच में एक प्रिंसिपल वेन है जिसका नाम मिडरिप है, लेकिन वेन्स और वेनलेट्स जो है वो आपस में टच कर रहे हैं. वो आपस में ऐसे टच कर रहे हैं सो दैट ए वेब लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट और दिस टाइप ऑफ वेनेशन इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट. एंड ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स. इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स. तो पैरेलल वेनेशन की बात करते हैं बेटा. जब बात पैरेलल वेनेशन की हो, बीच में एक मिडरिप है बेटा, तो पैरेलल वेनेशन में वेन्स जो निकल रहे हैं मिडरिप से, एक दूसरे के पैरेलल है. दैट मींस वेन्स एंड वेनलेट्स डू नॉट टच ईच अदर. जब अरेंजमेंट वेनेशन का ऐसा है, व्हेन देयर इज सच एन अरेंजमेंट, जब ऐसा अरेंजमेंट है वेन्स जो है बेटा या वेनलेट्स आप इनको कहो, तो वो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं. देयर इज नो वेब लाइक अरेंजमेंट. नो वेब लाइक अरेंजमेंट, सिर्फ वेन्स और वेनलेट्स आपस में पैरेलल है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज पैरेलल. सो इन पैरेलल वेनेशियन वेन्स आपस में क्या चल रहे हैं? वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है. दे डू नॉट टच ईच अदर. दे डू नॉट टच ईच अदर. दे डू नॉट फॉर्म ए वेब लाइक स्ट्रक्चर. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज पैरेलल अरेंजमेंट. एंड पैरेलल अरेंजमेंट जो होता है जिगर,
अरेंजमेंट होता है मोनोकॉट्स में, पैरेलल अरेंजमेंट होता है मोनोकॉट्स में। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था बेटा कि आप लीबलेन लैमिना जो है लैमिना के हिसाब से बता सकते हो कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा प्लांट डाइकॉट है। तो आज आप वेनेशन के हिसाब से बता सकते हो कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा प्लांट डाइकॉट है। कैसे बना सकते हो बेटा, जब आप लैमिना को करोगे, लास्ट टाइम क्या कहा था आपको याद होगा, अगर एक लैमिना लीफलेट डॉर्सी वेंट्रल होगा आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अपर साइड फ्रॉम द लोअर साइड। जैसे मेरा हाथ है, ये वाला साइड इस साइड से डिफरेंट है। अगर लीफ ऐसा होगा, लैमिना ऐसा होगा, यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू साइड्स। तो आप बोलोगे सर ये वाला प्लांट डाइकॉट है। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे डॉर्सल और वेंट्रल साइड को तो आप बोलोगे ये वाला प्लांट मोनोकॉट है। लेकिन बेटा जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने लैमिना के ऊपर एक अरेंजमेंट पढ़ा जिसका नाम है वेनेशन। सो सिंपल सी बात है बेटा, अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा आप बोलोगे सर ये वाला प्लांट डाइकॉट है, और अगर पैरेलल वेनेशन है तो आप बोलोगे तो ये वाला प्लांट मोनोकॉट है। सो सिंपल सी बात है बेटा कि आप इजीली बता सकते हो कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा प्लांट डाइकॉट है वेनेशन से। दिस इज द रीजन वाई वी स्टडी एनाटॉमी, ए सॉरी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकली आप एक प्लांट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। जब फ्लावर पढ़ेंगे तो उसके बाद आप फ्लावर से डिफरेंशिएट करोगे। जब रूट पढ़ा था, रूट से डिफरेंशिएट किया। सिटम पढ़ा था, सिटम से आपने कहा कौन सा प्लांट मोनोकॉट है कौन सा डायकॉट। आज तो वेनेशन पढ़ा, आज वेनेशन के हिसाब से बोल सकते हो कौन सा प्लांट मोनोकॉट है और कौन सा प्लांट डायकॉट। आगे चलते हैं बेटा, वेयर देयर इज बायोलॉजी देयर आर एक्सेप्शंस, बिकॉज बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। सो मैं चाहता हूं ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखो बेटा। एक प्लांट है जिसका नाम है कैलोफाइलम, एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है कैलोफाइलम। कैलोफाइलम क्या है? कैलोफाइलम एक डाइकॉट है। तो वेनेशन कौन सा होना चाहिए बेटा? वेनेशन इसमें होना चाहिए रेटिकुलेट, लेकिन इसमें पैरेलल वेनेशन है। आप बोलोगे सर आप तो अभी बता रहे थे, लेकिन यू ऑलरेडी नो दैट बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। तो दूसरी बात याद रखोगे बेटा, एक प्लांट है जिसका नाम है स्माइलेक्स, एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है स्माइलेक्स। तो स्माइलेक्स कौन सा है? एक स्माइलेक्स एक मोनोकॉट है। स्माइलेक्स इज ए मोनोकॉट। कौन सा वेनेशन होना चाहिए? रेटिकुलेट, लेकिन इसमें सॉरी पैरेलल। तो इसमें वेनेशन कौन सा है बेटा? रेटिकुलेट। आई रिपीट इट वंस अगेन, कैलोफाइलम इज ए डाइकॉट। वेनेशन कौन सा है बेटा? वेनेशन इसमें पैरेलल है, इस होना तो चाहिए रेटिकुलेट, मगर कौन सा है? पैरेलल। स्माइलेक्स एक मोनोकॉट है, वेनेशन कौन सा होना चाहिए? वेनेशन होना चाहिए पैरेलल, तो है कौन सा? रेटिकुलेट। अब आप वो सवाल नहीं पूछना बेवकूफ की तरह, सर ये फिर कैलोफाइलम कैसे डाइकॉट है, ये तो मोनोकॉट है। जिगर मेरा, एक तरीके से एक कैरेक्टर से आप डिफरेंशिएट नहीं करते हो मोनोकॉट और डाइकॉट को। देयर आर सेवरल कैरेक्टर्स, रूट, स्टम, फ्लावर, लीफ, दीज आर द कैरेक्टर्स। सो ये तो एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शनल केसेस आप हमेशा याद रखोगे। नाउ दीज आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ वेनेशंस। सो बेटा आगे चलते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन की। नाउ व्हेन आई डिस्कस द रेटिकुलेट वेनेशन, अब बेटा ध्यान से सुना, रेटिकुलेट वेनेशन भी दो टाइप्स का होता है। जब बात करते हैं बेटा रेटिकुलेट वेनेशन की, रेटिकुलेट वेनेशन भी दो टाइप्स का होता है। वन टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इट इज कॉल्ड एज यूनिकोस्टेट। वन टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इट इज कॉल्ड यूनिकोस्टेट, एंड अनदर टाइप इट इज कॉल्ड एज मल्टीकोस्टेट। वन टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इज कॉल्ड यूनिकोस्टेट, अनदर टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इज कॉल्ड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का दूसरा नाम बेटा पिनेट, यूनिकोस्टेट का दूसरा नाम पिनेट। मल्टीकोस्टेट का दूसरा नाम बेटा पालमेट। यूनिकोस्टेट का दूसरा नाम पिनेट, मल्टीकोस्टेट का दूसरा नाम
पॉलमीट। अब सवाल है बेटा, यूनिकॉ स्टेट क्या होता है, मल्टीकॉ स्टेट क्या होता है। जैसा कि बेटा अभी तक जितने भी लीव्स मैंने बनाए उसमें मैंने क्या कहा कि एक मोटी सी प्रिंसिपल वेन होती है, इस प्रिंसिपल वेन का नाम है बेटा मिडरिब। अब यूनिकॉ स्टेट क्या होता है बेटा, अगर कोई ऐसा लीफ है जिसमें सिंगल मिडरिब है, नाउ इफ देर इज एनी टाइप ऑफ लीफ जिसमें एक ही मिडरिब है तो उस वाले को कहा जाएगा बेटा यूनिकॉस्टेट। या मैं ऐसे बोलूं बेटा, कोई ऐसा लीफ जिसमें वेनेशन तो रेटिकुलेट है मगर उसमें प्रिंसिपल वेन मगर बेटा उसमें प्रिंसिपल वेन एक ही है तो उस वाले लीफ को कहा जाएगा यूनिकॉस्टेट। जैसा कि बेटा ये वाला लीफ है इसमें प्रिंसिपल वेन एक ही है मगर वेन्स और वेनलेट्स आपस में टच कर रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज यूनिकॉस्टेट। तो मल्टीकॉस्टेट आप तो वहीं से बताओगे, सर वो वाला वेनेशन जिसमें एक से ज्यादा ए टाइप ऑफ लीफ ए टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन विच कंटेन्स मोर देन वन प्रिंसिपल वेन्स, एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स है तो इस टाइप ऑफ लीफ को क्या कहा जाएगा बेटा मल्टीकॉस्टेट। इस टाइप ऑफ लीफ को क्या कहा जाएगा बेटा मल्टीकॉस्टेट। बेटा मैं एग्जाम्पल लिखूंगा यूनिकॉस्टेट की, एग्जाम्पल मैंगो, यूनिकॉस्टेट की बेटा एग्जाम्पल मैंगो। तो मल्टीकॉस्टेट की बेटा दो टाइप्स है, यूनिकॉस्टेट की एग्जाम्पल आप याद रखना मैंगो और दूसरी एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे बेटा गुआवा। सो हियर आई विल डिस्कस अगेन रेटिकुलेट वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज यूनिकॉस्टेट अनदर वन इज मल्टीकॉस्टेट। लिखना आपको आएगा इजीली, आप नोट बना सकते हो बेटा, यूनिकॉस्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिनेट, मल्टीकॉस्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलमेट। व्हाट इज यूनिकॉस्टेट, ए टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इन विच देर इज ओनली वन सिंगल प्रिंसिपल वेन। व्हाट इज मल्टीकॉस्टेट, ए टाइप ऑफ वेनेशन इन विच मोर देन वन प्रिंसिपल वेन्स आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज मल्टीकॉस्टेट। तो बात करेंगे बेटा मल्टीकॉस्टेट की, बात करेंगे बेटा प्यारे बच्चों बात करेंगे रेटिकुलेट की, रेटिकुलेट के दो टाइप्स, तो फिर से लिखना पड़ा यूनिकॉस्टेट हो गया सिंगल मिडरिब। तो बात करेंगे बेटा इसकी जिसका नाम है मल्टीकॉस्टेट। जब बात करते हैं बेटा मल्टीकॉस्टेट की, मैंने आपको बताया मल्टीकॉस्टेट क्या है, एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स है। यहां मल्टीकॉस्टेट दो टाइप्स का, वन फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एंड सेकेंड वन इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। द फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, द सेकेंड वन इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। तो बेटा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इजी है, आप इस डायग्राम को देख से ध्यान से देखना बेटा, ये होगी एक प्रिंसिपल वेन, ये होगी बेटा दूसरी प्रिंसिपल वेन, ये हो गई तीसरी प्रिंसिपल वेन। अगर आप इस ली ब्लेड या लैमिना को देखोगे यहां से तो वेन्स एंड वेनलेट्स आपस में टच कर रहे हैं, ये तो रेटिकुलेट वेनेशन है। मगर आप देखोगे बेटा जिस पॉइंट से ये प्रिंसिपल वेन्स अराइज हो रहे हैं दैट इज द टिप ऑफ पीट्यूल। वेन्स जब बेटा अराइज हो रहे हैं लेकिन ऊपर एट द टिप ऑफ द लीफ ये कन्वर्ज हो रहे हैं, व्हेन द प्रिंसिपल वेन्स कन्वर्ज एट द टिप, दिस टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट कैसा होगा बेटा, कोई लीफ आपने ऐसा देखा होगा, कोई लीफ बेटा आपने ऐसा देखा होगा ए टाइप ऑफ द लीफ इन विच मोर देन वन प्रिंसिपल वेन्स अराइज, एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स है लेकिन वो आपस में दूर दूर जा रहे हैं, वेनेशन रेटिकुलेट है मगर एक से ज्यादा वन टू थ्री फोर फाइव एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स है और वो आपस में डाइवर्ज हो रहे हैं, नो डाउट दे अराइज फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट लेकिन वो क्या हो रहे हैं बेटा आपस में डाइवर्ज हो रहे हैं, वेनेशियन रेटिकुलेट है, एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स है लेकिन वो आपस में क्या हो रहे हैं बेटा डाइवर्ज, सो दिस वन इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। फिर से बेटा एक बार बोलूंगा रेटिकुलेट वेनेशन दो टाइप्स, रेटिकुलेट वेनेशन दो टाइप्स का है, यूनिकॉस्टेट मल्टीकॉस्टेट, सिंगल प्रिंसिपल वेन मोर देन वन प्रिंसिपल वेन, मल्टीकॉस्टेट दो टाइप्स का कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो बेटा वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इट इज कैम्फर, वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट इज कैम्फर, एंड वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ
मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट, इट इज कॉटन, इट इज कैस्टर, कॉटन, इट इज कैस्टर।